हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 ए बोट बीनीथ ए सैनी स्काई, ये हम पोएम पढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया पोएम है और ये पोएम है तीन बच्चों के बारे में जो नाव के अंदर बैठकर जाते हैं और वो एलाइस की जो कहानी है उसको सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। एलाइस इन वंडरलैंड, ये एक एलाइस थी, बच्ची थी जो कि वंडरलैंड में चली जाती है और ऐसा होता है उसके जो माँ बाप थे वो बाहर जाते हैं और किसी काम से और बर्फीला तूफान आ जाता है, तो बच्ची अपने उस पेरेंट्स को ढूंढने के लिए लालटेन लेके घर से निकलती है और तूफान में गिर जाती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये माना जाता है कि वंडरलैंड में आज भी वो जो एलाइस वो लड़की है वो घूमती है यानी भटकती है चारों तरफ, और एक सीटी सी हवा में एक सीटी सुनाई देती है, यानी ऐसा मानते हैं कि वो गाती हुई वो बच्ची फिरती है। बाद में जब वो बच्ची नहीं मिली, तूफान में गिर के मर जाती है, तो उसके पेरेंट्स जब आते हैं घर पर तो उसे ढूंढना शुरू करते हैं और उसके पैरों के निशान मिलते हैं और वो लालटेन भी मिल जाती है उनको, लेकिन वो बच्ची उन्हें नहीं मिलती कि वो कहाँ चली गई। तो वो तब से वो एलाइस कहाँ से कुछ पता नहीं लगा, लेकिन ये माना जाता है कि उस वंडरलैंड में वो अभी भी भटकती है, घूमती है। तो अभी हम पोएम पढ़ते हैं। ए बोट बीनीथ ए सनी स्काई, एक जो नाव है यानी एक सूर्य का जो उजाला हुआ है यानी दिन में काफ़ी जब सूरज चमक रहा है उसके नीचे, लिंगरिंग ऑनवर्ड्स ड्रीमिंगली, ढंग से एक सुस्त अवस्था में धीमे धीमे नाव पानी में बहती हुई जा रही है। इन एन इवनिंग ऑफ जुलाई, जुलाई का शाम का वक्त है और दिन साफ निकला हुआ था। चिल्ड्रन देयर दैट नेस्ले है नियर, वहाँ जो तीन जो बच्चे थे वो वहाँ पे रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, ईगर आई एंड विलिंग ईयर, और उस नाव में बैठे हुए थे और उनकी जो उत्सुक आँख और कान दोनों ही उत्सुक थे, यानी आँखें काफ़ी उत्सुक थी और देखने के लिए, और विलिंग ईयर यानी उनके कान सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। प्लीज्ड ए सिंपल टेल टू हेयर, एक साधारण सी जो कहानी थी उसे सुनने के लिए, जिसे सुनकर उन्हें खुशी मिलती। लॉन्ग हैज पेल्ड दैट सनी स्काई, बहुत लंबे समय से जो सूरज वाला आसमान था वो पीला पड़ा हुआ था। इकोज फेड एंड मेमोरीज डाई, इको यानी जो आवाज़ की गूंज थी वो फीकी पड़ गई थी और मेमोरीज यानी यादें जो थी वे मर गई थी यानी ख़त्म हो गई थी यानी भुला दिया गया था। ऑटम फ्रॉस्ट हेन स्लेन जुलाई, ऑटम ये जो यानी पतझड़ जो ऋतु आती है उसमें जो फ्रॉस्ट यानी जो बर्फ़ गिरती है, धुंध, हाँ ऑटम में ये जो शरद ऋतु की जो धुंध है वो क्या करती है, हनी सकल जो बेल है, हेन यानी हनी सकल की जो बेल है, स्लेन जुलाई, उसने क्या किया है, जुलाई महीने ने उस बेल को मार डाला। स्टिल शी हॉन्ट्स मी, अभी भी वो मैं हॉन्ट यानी वहाँ भटकती है, पैंथम वॉइस मेरे पीछे, जिस तरीके से भूत होता है भूत छाया के रूप में, इस प्रकार से वो मेरे पीछे भटकती है। कौन, एलाइस मूविंग अंडर स्काइज, एलाइस जो आसमान के नीचे घूम रही है इधर उधर भटक रही है। नेवर सीन बाय मेकिंग आइज, उसे कभी भी नज़रों से देखा नहीं गया, सिर्फ उसे महसूस किया गया है, ऐसा माना गया है कि वो है लेकिन उसको देखा नहीं गया। चिल्ड्रन येट द टेल टू हियर, ईगर आई एंड विलिंग ईयर, लविंगली शेल नेस्ले नियर, और जो बच्चे हैं अभी भी क्या करते हैं, उस कहानी को सुनने के लिए बैठे हैं काफ़ी उत्सुक नज़रों से और काफ़ी इच्छा भरे कानों से सुनने के लिए और देखने के लिए, और बहुत प्यार से उस जो छोटी नाव है उसके अंदर बैठे हुए हैं जो कि उनके घर के करीब है, उनके निवास के करीब जहाँ वो रहते थे, वो नाव वहीं आसपास नदी में घूम रही है। इन वंडरलैंड दे लाए, एक वंडरलैंड में वे बैठे हुए हैं, नाव में जिस पड़े हुए हैं यानी बैठे हुए हैं, ड्रीमिंग एज द बॉयज गो बाय, और वो भी सुनते सुनते कहानी को क्या है, ड्रीमिंग यानी सपने में अपने विचारों में खो गए हैं, ड्रीमिंग एज द समर्स डाई, और इसी प्रकार से वे भी ध्यान मग्न हो गए जैसे कि गर्मी जो है धीमे धीमे ख़त्म हो रही है। एवर, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है तो गर्मी की जो गर्मी कम होती जा रही है। एवर ड्रिफ्टिंग डाउन द स्ट्रीम, और जो बहती उनकी नदी में उनकी नाव है जो बहती हुई जा रही है, लिंगरिंग इन द गोल्डन ग्लीम, जो गोल्डन प्रकाश का जो आभा है, प्रकाश है जो चमक रहा है पानी में, जो सूरज की रोशनी से पानी थोड़ा पीलापन लिए हुए उसके अंदर, लाइफ वट इट इज़ बट ए ड्रीम, जीवन क्या है, जीवन अपने आप में एक स्वप्न की तरह है, ठीक है ना, एक सुंदर स्वप्न की तरह है जो कि क्या है, चलता ही चला जाता है। रिटन बाय लेविस कैरोल। नाउ वी आर टर्निंग ऑनवर्ड्स
to the next page, underline the understanding the poem, tick the correct answer. The boat was sailing on the river in sunny July, frosty autumn या फिर chill winter. जो नाव थी वो जो नदी में चल रही थी वो कौन से मौसम में चल रही थी, सनी जुलाई था, फ्रॉस्टी ऑटम यानी पतझड़ का मौसम था धुंध वाला, या फिर चिल्ड विंटर थी या काफ़ी ठंड थी, तो यहाँ पे आएगा सनी जुलाई. द पोएम स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द, कविता जो शुरुआत होती है वो किसका वर्णन लेके शुरुआत होती है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर. प्रेजेंट, तो वो प्रेजेंट की बात करते हैं कि जो बच्चे हैं, तीन बच्चे नाव में बैठे हुए हैं और उनका निवास है वहीं पास में ही, और बच्चे नाव में बैठते हुए जा रहे हैं और कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं. द पोएट ऑलवेज थिंक्स ऑफ, जो कवि हमेशा सोचता है, किसके बारे में सोचता है, बोट राइड नाव चलाने के बारे में, एलाइस के बारे में उस लड़की के बारे में जो कि खो गई थी बर्फीले तूफान में, या फिर ए घोस्ट भूत के बारे में, तो सही जवाब है एलाइस के बारे में. एलाइस इज ए, एलाइस क्या है, घोस्ट है, भूत है, पर्सन इंसान है या बोट नाव है, क्योंकि एलाइस मर चुकी है तो वो एक घोस्ट उसे कहा गया, तो यहाँ पे आएगा घोस्ट. द चिल्ड्रन वर, जो बच्चे थे वो क्या थे, वेटिंग टू हेयर स्टोरी कहानी सुनने का इंतजार कर रहे थे, वेटिंग टू स्लीप सोने का इंतजार कर रहे थे, या फिर वेटिंग टू हैव बोट राइड या नाव चलाने का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे सही जवाब है वेटिंग टू हेयर ए स्टोरी, क्योंकि विलिंग आइज लिखा था ना वहाँ पे, ईगर आइज और विलिंग ईयर लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे आएगा वेटिंग टू हेयर ए स्टोरी. लाइफ इज लाइक ए, जीवन कैसा है, ब्यूटिफुल ड्रीम, रे राइट रे लाइट या फिर लोटस, सुंदर सपना है, या फिर प्रकाश की किरण है, या फिर एक कमल की भांति है, तो यहाँ पे आएगा ब्यूटीफुल ड्रीम, ये सही है जवाब. इसके बाद अगला है क्वेश्चन आंसर से, ये आप याद करेंगे परीक्षाओं में आएगा. और राइट द राइमिंग वर्ड्स जो हैं, जैसे स्काई फ्लाई जो बोलने में एक जैसे आते हैं ऐसे शब्द, लाए का डाय, नियर क्लियर, ग्लीम का बीम. रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, यहाँ पे इसको हम पोएम की लाइन है उसको पढ़ते हैं और उसके बाद नीचे प्रश्नों के जवाब देंगे. स्टिल सी हॉन्ट्स मी पैंथम वॉइस, अभी भी वो मेरा एक भूत की तरह पीछा करती है. एलाइस मूविंग अंडर स्काइज, एलाइस जो आसमान के नीचे चलती है. नेवर सीन बाय मेकिंग आइज, उसे कभी नज़रों से देखा नहीं गया. हु इज़ शी इन द अबो लाइन्स, इन ऊपर की लाइनों में शी कौन है, शी किसको बोला गया, एलाइस को, तो शी रेफर्स टू एलाइस. हाउ डज शी हॉन्ट, वो कैसे भटकती है, तो शी हॉन्ट्स पैंथम वॉइस, वो छाया की तरह या भूत की तरह भटकती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, वेयर इज एलाइस मूविंग, एलाइस कहाँ भटक रही है, घूम रही है, तो एलाइस इज मूविंग इन द वंडरलैंड, वो वंडरलैंड में घूम रही है. हु इज एलाइस, एलाइस कौन है, तो एलाइस इज लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की है, उसका नाम है, गर्ल्स नेम, हु हैड डाइड इन द स्टॉर्म, जो एक तूफान में मर गई थी. अब यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज दिया है, ग्रामर है, रीड द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम ईगर पेल एंड सनी, ये एडजेक्टिव यानी ये विशेषण है. उसी प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव तीन डिग्री आती है, ठीक है, पेल पेलर पेलेस्ट, क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट, सनी सनियर सनीएस्ट, ईगर मोर ईगर एंड मोस्ट ईगर, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए टेबल दी गई है जिसे बच्चे खुद करेंगे, नियर नियरर नियरेस्ट, सिंपल सिंपलर सिंपलेस्ट, मैनी मोर बेस्ट, और ऐसे ही गुड बेटर बेस्ट हो जाएगा, और फिर बैड वॉज पॉस्ट हो जाएगा. यहाँ पर देखिए नीचे है, सिलेक्ट द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द पैसेज दैट गिवन दैट फॉलोज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स. हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको दो यहाँ पे ये दिए गए हैं, आपको एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इनकी दो डिग्रियाँ दी गई हैं, सिंपल और सुपरलेटिव. इसी प्रकार से यहाँ पे कंपैरेटिव दिए दो, इनमें से जो आपको सूट करेगा आपको वो यहाँ पर इसमें भरना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड इन ए करेक्ट मैनर. इसको सुविधा के लिए मैं बता दूँ, बहुत सिंपल तो तरीका ये होता है कि जो सिंपल में तो आप नॉर्मल में तो आप पॉजिटिव डिग्री डालेंगे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री अगर आना होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप क्या है, देन जो वर्ड है टी एच ए एन ए देन, अगर फिलअप के बाद टी एच ए एन देन लिखा है तो आप कंपैरेटिव डिग्री डालेंगे यानी बीच वाली, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है तो बीच वाली जो बेटर है वो आपको यहाँ लिखना है अगर फिलअप के बाद टी एच ए एन देन दिया हुआ है. और अगर फिलअप से पहले
आपको THE दा दिया है तो आपको तीसरे वाली, यानी जैसे प्रैटी, प्रैटियर, प्रैटीएस्ट, तो प्रैटीएस्ट जो तीसरे वाली है वो आपको यहाँ फिल करनी है, अगर फिलअप से पहले THE दा दिया है, और अगर फिलअप से पहले दा या फिर फिलअप के बाद देन नहीं दिया तो आपको सिंपल यानी पॉजिटिव जो डिग्री है वो भरनी है।